फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थेप्पीस रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चैनल पे रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी शुरू करती हैं। जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है, दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है और दिवाली आते ही बहुत सारे घरों में नाश्ते, अलग अलग टाइप के नाश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात के सबसे फेमस पूरी, मतलब स्वीट पूरी, जो है सुवाड़ी। सुवाड़ी पूरी बोला जाता है, जो मीठी पूरी रहती है। तो आइए बनाते हैं सुवाड़ी पूरी। फ्रेंड्स, सुवाड़ी पूरी बनाने के लिए हमें मैदे का ही यूज करना है, बिकॉज ये स्वीट पूरी बनेगी, क्रिस्पी पूरी बनेगी और एकदम ही वाइट बनेगी। इफ अगर गेहूं का आटा यूज करते हैं तो थोड़ी सी पूरी ब्राउन हो जाती है, तो सुवाड़ी पूरी का जो टेक्सचर है वो प्रॉपर नहीं मिलता है। तो ये लिया है मैंने 250 ग्राम मैदा, उसके साथ लिया है 1/4 कप शुगर, 1/4 कप शुगर और 1/4 कप पानी, जिसे मिक्स करके रख देना है एक घंटे पहले, ताकि पानी के अंदर अच्छे से शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। तो उसी के साथ लेना है हमें 1 चम्मच जितना वाइट तिल और 3 चम्मच जितना हमें लेना है घी। देसी घी से हम इसका मोन देंगे और फ्राई करने के लिए भी हम इसमें घी का ही यूज करेंगे। इफ अगर आपको ऑयल में यूज फ्राई करना है तो आप इसमें मोन में भी ऑयल ही यूज कीजिए, घी और तेल कभी भी मिक्स मत कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम आटा गूंदेंगे, तेल और घी एक साथ मिक्स करके हम अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने मुट्ठी शेप आ जाए उतना हमने जो मोन है वो अच्छे से घुल गया है और मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही मोन हमें चाहिए। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं, बट 250 ग्राम में 3 चम्मच भर के घी मैंने यूज किया था और वो एकदम ही इनफ है। फ्रेंड्स, वैसे ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इसके नाम में ही इसकी खासियत है। सुवाड़ी का मतलब गुजराती में रहता है मुलायम, और हमें ऐसी ही मीठी पूरी बनानी है जो एकदम ही मुलायम हो, लेकिन हम शुगर सिरप यूज कर रहे हैं, शुगर का पानी यूज कर रहे हैं और फ्राई करेंगे तो वो हार्ड तो होने वाला ही है, इसीलिए हमें आटे को कूटना पड़ेगा। बस अभी पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें। तो फ्रेंड्स, मैंने पानी सारा यूज कर लिया है और अगर आपको जरूरत लगे तो ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हो सके उतना पानी, कम पानी में हमें शुगर को डाइल्यूट करना है, बिकॉज अगर हम पानी बचाएंगे डाइल्यूट किया हुआ शुगर वाला तो हमारा जो पूरी है उसके अंदर मिठास कम हो जाएगी, इसीलिए हमें बहुत ही कम पानी में शुगर को डाइल्यूट करना है। और फिर आटा गूंदने के टाइम पे अगर आपको पानी की ज्यादा जरूरत लगे तो नॉर्मल वाटर आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो अच्छे से गूंद गया है। हमने आटे का कड़कपन जो है वो पराठे जैसा रखा है, जैसे हम पराठे का आटा गूंदते हैं वैसा ही आटा हमें गूंदना है। फ्रेंड्स, अभी टाइम है थोड़ी सी मेहनत करने का, हमें इसे अराउंड 5 मिनट तक कूटना है ताकि हमारी जो पूरी है
वो एकदम ही सॉफ्ट, एकदम ही मुलायम, और जो नाम है गुजराती उसका सुवाड़ी, उसको सार्थक करें। फ्रेंड्स, इसे इतना कूटना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, नॉर्मल व्हाइट कलर पे आ जाएगा कूटते कूटते ही। 5 मिनट में हमारा आटा कूट के रेडी हो गया है और एकदम ही अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो गया है और एकदम ही मुलायम। तो बस इससे हम अभी बनाएंगे सुवाड़ी पूरी। फ्रेंड्स, इसके हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे, बिकॉज पूरी जो है वो हमें एकदम ही पतली बेलनी है, इसीलिए हो सके उतनी छोटी लोई बनाएंगे और छोटी लोई से ही अच्छे से पूरी प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम है सुवाड़ी को बनाना, पूरी में प्रिपेयर करना। तो अच्छे से लोई को हम मस लेंगे और उसके बाद ही पूरी बनाएंगे, ताकि साइड से क्रैक्स ना आ जाए। और ये पूरी को हम घी में फ्राई कर रहे हैं, इसलिए मैंने घी को भी गरम करने के लिए रख दिया है। और फ्रेंड्स, इसे हमें फ्रेश ही फ्राई करना है, इसे सूखाना नहीं है, इसीलिए दो दो तीन तीन पूरी बनाइए और फ्राई कर लीजिए। इसे अभी हम फोक्स की मदद से बीच में छेद कर देंगे, ताकि वो फूल के बड़ी ना हो, फूले नहीं ज्यादा, इसीलिए सारी पूरी ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, पहले अच्छे से मसलिएगा लोई को और उसके बाद ही पूरी प्रिपेयर कीजिए। थोड़ा सा जो तेल है वो निकल जाएगा, फ्राई करते समय भी निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, घी है वो अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम तुरंत ही सुवाड़ी पूरी को छोड़ेंगे घी में और उसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इसे फ्राई होते भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही फ्राई हो जाएगी। तो बहुत टाइम तक इसे ऑयल में नहीं रखना है, बस सिंपल 2 बार पलटी कीजिए और हल्का सा कलर चेंज हो उसके पहले ही निकाल लीजिए। अब देख सकते हैं ये फ्राई हो गई है, लेकिन अभी भी सॉफ्ट है, बिकॉज इसके अंदर शुगर है। जैसे ही थोड़ी ठंडी होगी शुगर की वजह से ये हार्ड हो जाएगी, तो इसे हम निकाल लेते हैं। वैसे ही सारी पूरी हम घी में फ्राई कर लेंगे। सुवाड़ी, सुवाड़ी पूरी मीठी और मजेदार, तो एकदम ही सॉफ्ट और खाने में भी एकदम ही मजेदार। फ्रेंड्स, आप ये दिवाली जरूर बनाइएगा और बना के प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। देखते रहिए मेरा चैनल 30 रेसिपी। थैंक यू।